नेटवर्क ऑफ फोर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू सी सी टू सी थ्री सी फोर सी आर कनेक्टेड टू बैटरी एज शोन इन फिगर. द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन सी टू एंड सी फोर आर. ओके, तो देखो आपके पास यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, उसके अलावा यहाँ पर एक कैपेसिटर है, राइट. एंड ये इसके अक्रॉस हम लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल है V. अभी देखो ये C1 जो कैपेसिटर है जिसका वैल्यू C है, इसका वैल्यू 2C है, इसका वैल्यू 3C है एंड इसका वैल्यू क्या है 4C है. आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर C2 एंड C4. तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस में होना चाहिए, इस चार्ज में C2 में एंड C4 में, राइट. तो करते हैं फिर सॉल्व. पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, उसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लेता हूँ. तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखो इक्विवेलेंट विल बी, अभी ये सीरीज़ में है तो ये कैसे आएगा, वन बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाई थ्री सी प्लस वन बाई टू सी प्लस वन बाय सी. तो अगर थ्री सी हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम लिया, थ्री सी कैसे आएगा, सिक्स सी अगर एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा, यहाँ पर थ्री आएगा, यहाँ पर सिक्स आएगा. तो टू प्लस थ्री फाइव, फाइव सिक्स एलेवन, एलेवन बाई सिक्स सी, मतलब सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सिक्स सी बाय एलेवन. तो अगर इसका मैं डायग्राम बना लेता हूँ तो डायग्राम देखो ऐसा आएगा, ऊपर तीनों का एक ही कैपेसिटर होगा एंड नीचे यहाँ पर और एक कैपेसिटर, ये सी फोर एंड इस यहाँ पर हम लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया. तो ये है फोर सी और ये क्या है, सिक्स सी बाय एलेवन. एंड यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, वी है. नाउ वी नो दैट कि पैरेलल में पोटेंशियल हमेशा सेम होता है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या आएगा, सेम ही आएगा, दैट इज़ ये पोटेंशियल होगा V. तो देखो दोनों कैपेसिटर का वैल्यू आपको पता है एंड दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल पता है. एंड और एक बात है, यहाँ पर देखो 3C में से, 2C में से, C में से, सारे चार्ज, ये जो कैपेसिटर है तीनों सीरीज़ में, सबके लिए चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा. मतलब 3C, 2C, C के लिए जो चार्ज होगा वही 6C by 11 के लिए होगा ना. मतलब इफ़ वी आर फाइंडिंग चार्ज अक्रॉस 6C by 11, इसका मीनिंग है वो 2C के अक्रॉस भी मिल जाए, वो इतना ही मिल जाएगा हमें. तो अभी देखो हमारे पास चार्ज का फार्मूला है. चार्ज का फार्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी. मुझे क्या करना है, चार्ज अक्रॉस कौन है, C2 एंड C4 निकालना है. तो चार्ज अक्रॉस C2 एंड चार्ज अक्रॉस C4, तो कैपेसिटी ऑफ C2 इंटू V डिवाइडेड बाय C4 इंटू V. तो देखो ये जो C2 है, अभी यहाँ पे C2 क्या है, 6C by 11 है ना इस डायग्राम के अंदर, तो ये आएगा 6C by 11 डिवाइडेड बाय C4 कितना है, यहाँ पे ये कैपेसिटर का वैल्यू 4C है, तो ये आएगा 4C, सी सी कैंसिल होगा, तो ये आएगा 6 बाय 11 इंटू 4, तो ये 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, ये आ जाएगा 3 बाय 22. तो Q2 बाय Q4 कितना, 3 बाय 22, 3 बाय 22 मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन, राइट.